क्या हाल है बॉस? कुछ नहीं रखता इन सब बातों में। आप तो अपना दिमाग ठंडा करिए।
मौसम कितना ठंडा है, आई विश हनी होती, हनी वाली चाय होती तो मजा आ जाता। एक मिनट जी, मेरी हनी वाली चाय मिल जाती तो बात ही मिल जाती। अरे बॉस बिल्कुल दिल की बात छीन लिया आपने, मैं आपको अमेजिंग फंडो अदरक वाली चाय बना के देता हूँ और साथ में गरम गरम शालू आलू की टिक्की हो जाती, बहुत मजा आ जाए। बहुत सही जा रहे हैं, इतना याराना दिख रहा है, इतना प्यार पूरे वीक में किसी टास्क के दौरान क्यों नहीं दिखता। खैर जो भी स्ट्रेटेजी लगाई है आपने, अंजाम भी आप ही लोग देते हैं। जी सर, एक्चुअली क्या बताएं, हम लोग बहुत प्यार से रह रहे हैं इस घर में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, घर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा हमारा। खैर काफी लोगों को बहुत शिकायतें हैं आपसे। किसको सर? सर किसको? अभी आप लोगों के लिए कॉल आएगा फ्रॉम द कॉलर ऑफ द वीक, जो आप सबसे पूछेगा एक सवाल। सो रेडी? यस सर। हाँ बोलिए शबाना जी। हेलो। हेलो रिपुल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ शबाना जी, सलाम अलैकुम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। रिपुल जी आप ना घर पे मेरे बहुत फेवरेट हैं और आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और आप ना बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आप, मैं एक बात कहना चाहती हूँ रिपुल जी, आप ना घर पे कोई काम क्यों नहीं करते? लाहौर वाला कुवत। कैसी बात कर रही है शबाना जी, मैंने सारा बिग बॉस के घर में एक प्रोसेस बनाया है, सारा काम अपने आप हो जाता है, तो मुझे करने की जरूरत क्या है? पर रिपुल जी फिर आप कुछ काम करते हुए दिखते क्यों नहीं है? अरे आप तो राधे राधे, आप तो इल्जाम पे इल्जाम लगाती जा रही है। आप हमारे, आपने कहा बरेली से है राइट? आपको सच बताऊं, और ये शायद हमारे यहाँ के सबको भी नहीं पता होगा, यहाँ खाना किसी को बनाना नहीं आता, ढंग का किसी को नहीं आता। किसी आपको अगर खाना खाना है आप बरेली की, आप मेरे साथ बरेली चलिए और उसके बाद खाना खिलवाता हूँ, उसके बाद आपको लस्सी पिलाता हूँ तीना लाख की। रिपुल जी बिल्कुल सही, लेकिन जब आप खाना इतना अच्छा बना सकते हैं तो आप खाना बनाते क्यों नहीं? सर आप काम करेंगे तो आप और अच्छे दिखेंगे और घर में लोगों को हेल्प भी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, मैं जब भी, आप बिंदु जी से पूछ लीजिए, उस दिन इन्होंने चाय बनाई, सर्व किसने करी? अरे मैंने क्या किया था, मैंने तो बस चाय ही बनाई थी, चाय सर्व तो रिपुल जी ने की, इतने प्यार से इतने स्नेह से, मैंने किया ही क्या, बस चाय ही तो बनाई, क्यों नित्यांका? रिपुल जी आप, पता है आपने जो इतने प्यार से सर्व की ना, चाय तो और भी मीठी हो गई। रिपुल जी अभी आपको बरेली तो है नहीं, ये बिग बॉस का घर है,
मान सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये लोग मुझे कुछ बोलने की नहीं दे रहे। यस प्लीज शुभ्रा जी को बोलने दो सबको। सर जब से ये इस घर में आए हैं सब बैठे ही रहते हैं। ये सोफे में बैठे बैठे सब खाना खाते हैं। आधा से अधिक इनकी सेवा में लगा रहता है। या तो कोई इनको पानी पिला रहा है, या कोई इनको खाना दे रहा है। इस घर में सिर्फ दो लोग हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। इनके लिए और दूसरे ये घर कमाल है शुभ्रा जी, आपने क्या बात कर रही हैं? सर मारो काम तो पूल साफ करने को है, वो तो मैं कर दे हूँ। ये लोग तो पूल में जाते तक नहीं है, मैं काहे रोज रोज करूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं सलमान सर से बात कर रही हूँ। सलमान सर, इस घर में रिपुल ने सब रायता फैलाया हुआ है और ग्रुपिज्म करते हैं बस। देखो शुभ्रा जी, आप मारा नाम लोगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सलमान सर आप ही देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। सलमान साहब मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इन सबको अपना गेम खुद के लिए खेलना चाहिए, लेकिन वो चार लोग उनका सारा गेम रिपुल जी के इर्द गिर्द ही चल रहा है। आप रमित जी को ही देख लीजिए, वो दिन में चार बार आधे घंटे उबाल कर खालिस दूध की चाय रिपुल जी के लिए बनाते हैं। बॉस आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी दुआ से यहाँ पे भी रिकॉर्ड बना लिया। सही कह रहे हैं रिपुल जी। सर सर मैं कुछ कहूँ? बोलिए क्या? रिपुल जी काम नहीं करते, वो बहुत काम करते हैं। और असल में बात ये है कि सुबह 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 थके रहते हैं, ऐसा क्या करते हो रिपुल? सर 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 ये सही कह रही है सर, पता नहीं मैं कहूँगी शुगर कि आप भी ठीक हैं और आप भी ठीक हैं, लेकिन मैं फिर भी एक ही बात कहूंगी शुभ्रा जी, आप सुबह देखती नहीं है, आप तो गार्डन में चक्कर काटती रहती हैं। उस वक्त रिपुल जी बिस्तर पे लेटे हुए आंखें बंद करके जोर जोर से सांसें लेते हैं और वो मेडिटेशन करते हैं और योगा करते हैं सर, तो वो थक जाते हैं। तो हमने दो परोठियां परोस दी, चाय दे दी, तो क्या बिगड़ गया सर? और बिंदु क्या हो गया? आप दोनों ऐसी हैं क्या? ऐसी ही हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो काम रिपुल जी सुबह बिस्तर पे करते हैं उसे नींद लेना और खर्रा के लेना कहते हैं। असली मेडिटेशन वो है जो हमारी सीतू जी करती हैं। सर आप एकदम राइट बोल रहे, करेक्ट। मैं रोज सुबह 4 बजे उठती हूँ और मेडिटेट करती हूँ, फिर मैं 2 घंटे वॉक भी करती हूँ। सर कुछ नहीं, ये कुछ करके भी कुछ नहीं करती है और ये साहब सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते हैं, दोनों बेकार है सर, डिटो सेम टू सेम। लिसन यू कीप क्वाइट ओके, शट अप, डोंट से इन बिटवीन। सलमान सर आप ही देखिए कैसे बात करते हैं ये लोग। सलमान साहब मेन बात तो यही है कि यहाँ पर कुछ लोग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको दिन में 10 बार चाय जो मिल जाती है एकदम करेक्ट।
सारा दिन बर्तन साफ सुथरा करके हाथों की लकीरें भी मिट गई हैं, अब तो काजल भी ढंग से नहीं लगता। ऐसा है रिपुल जी, अब आप एक काम करिए, अब आप ना बर्तन का भी ना प्रोसेस बना दीजिए, सारी घर की खिड़की भी खत्म, मुझे तो नहीं समझता। What do you mean? हाँ, कोई काम धंधा करते नहीं है और प्रोसेस बना दो, दिस इज नॉट फेयर, ये ऐसे मत बोलो तुम लोग। ये ऐसे ना इसी तरह से करते हैं सलमान सर, मैं अपना सब कुछ करती हूँ जो भी करना होता है, आई डोंट आस्क एनीबॉडी। खैर अब मुद्दे की बात करते हैं, कॉलर ऑफ द वीक, आपने तो बिग बॉस के घर में पूरा रायता ही फैला दिया। खैर मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल गया होगा। जी सर सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। एंड रिपुल जी प्लीज आप काम कीजिए थोड़ा, एंड यू आर स्टिल माय फेवरेट, मैं ना आप ही को वोट दूंगी रिपुल जी। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय सलमान सर, बाय बाय रिपुल जी, बाय, थैंक यू शिवाना जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नृत्यांगना आप तो पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है, बहुत बढ़िया डांस करती हैं आप। बिल्कुल सलमान सर, मुझे तो गरबा भी आता है और भांगा भी, अब तो मैं कथक भी कर लेती हूँ, पता नहीं पब्लिक को क्यों नहीं दिखता। बढ़िया बोलिए, बिल्कुल करिए, डांस करिए। वाह वाह नृत्यांगना, अब आप बैठ जाइए, ऐसे ओरिजिनल तो बस एक यही है। सलमान सर व्हाट डू यू मीन, सिर्फ यही एक ओरिजिनल है तो हम क्या बाकी सब फेक है ना? अरे सीतू जी आप फिर गलत ले गए, सर का मतलब वो नहीं था, सर कह रहे ये भी ओरिजिनल आप भी ओरिजिनल, आप भी ठीक ये भी ठीक, कोई गलत नहीं, सर को ये कह रहे हैं। सही कह रही है, पता नहीं है जो कहते हैं। आप इसी तरह इस घर को बनाए रखिए। खैर बनाने से मुझे ध्यान आया, इस घर में खाना कौन अच्छा बनाता है? कोई भी नहीं, किसी को नहीं। खैर मैंने देखा है मिली और अमित किचन में लगे रहते हैं। जी सर, जी सर। अपेक्षा आप इनकी सब मदद क्यों नहीं करती खाना बनाने में? रेडी होने में टाइम लगता है सर, टेयर्स नेल्स मेकअप, खाना बनाने का टाइम ही नहीं रहता। बहुत सही कह रही हैं आप, इतनी मेहनत से ये लोग खाना बनाते हैं, आप अपना कीमती वक्त निकाल के खाना खाने भी तो आती हैं। सर बनता है तो खा लेती हूँ, नहीं बनता तो नहीं खाती, मुझे कुछ नहीं समझता। बढ़िया चलिए, आप महिलाओं से काफी बात हो गई, अब बढ़ते हैं बिग बॉस के घर के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर अरुण से बात। थैंक यू नृत्यांगना, ओरिजिनल तो बस एक ही है घर में। हाँ तो धरुण जी अब आप बिग बॉस के घर में मोस्ट एलिजिबल बैचलर तो बन ही गए हैं, साथ ही घर के बाहर भी आप मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो गए हैं। इस बिग बॉस के घर से निकलने के बाद आपके लिए स्वयंवर करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी है। ना जी सर, मन नहीं करना कोई ब्याह या। अबे ब्याह करना नहीं है, हो नहीं रहा। अरे हो क्यों नहीं रही है, छोरियों की लाइन लगा दो, पर मांगे तो करना ही नहीं है सर। कौन करेगा इससे शादी? अरे 43 की 43 शर्ट सारी बिखेरी पड़ी हैं, कोई नहीं समेटता। देखियो पीली जी, हमें तो जाट आदमी है, हमें तो खुले आसमान में रहने की आदत है, आप लोगों ने इस कबूतर खाने में फंसा दिया हमें, हैं? अब हम क्या करें, सबका सामान हम साफ करें, ये हमारा काम नहीं है, हम तो फूल साफ करेंगे। अपना तो कर लीजिए, अगर आपको इतना गंदा लगता है आप खुद ही कर लीजिए। क्यों करेंगे, किचन का काम मिला था। चलिए बहुत हो गई आपकी बातें, अब मुद्दे की बात करते हैं और एलिमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो कौन कौन नॉमिनेटेड है इस वीक? रिपुल हम बच गए सर,
मेहुल आप रिपुल जी को कह दीजिए कि वो सेफ है और आप भी सेफ। सीतू जी सर मेरा नंबर है। आप सबको बता दीजिए कि इस दिवाली के अवसर पर सब सेफ है, नो एलिमिनेशन। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए सलमान सर यू आर द बेस्ट। थैंक यू। चलिए अब आपसे बहुत बातें हो गई, अब आपको मिलता हूँ अगले हफ्ते। तब तक के लिए आपका जो मन में आए वो करिए, बट डोंट ट्रबल योर मदर फादर एंड मदर इन। और जाते जाते आप सबको एक खुशखबरी और, एक सरप्राइज है, और आपको डांस सिखाने के लिए ASMN की मशहूर कोरियोग्राफर श्याम देवी आपको डांस सिखाने आए। श्याम देवी, श्याम देवी, ये श्याम देवी आ रही है। हाँ तुम्हें करना है श्याम देवी। Yeah.